student, in this video we are going to discuss about Golgi apparatus, mitochondria and plastic. First is Golgi apparatus. This cell organelle named after Camillo Golgi, who was first described it. इसका नाम गोल्जी apparatus कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, क्योंकि गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था. इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रियस बाउंडेड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक कॉल्ड सिस्टम्स. इसमें क्या होता है कि वेसिकल्स जो हैं का ये नेटवर्क है, जिसमें वेसिकल्स जो इस तरीके की ट्यूब्स एक दूसरे के पैरेलल, बहुत सारी वेसिकल्स एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं, उनका ये नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं सिस्टम्स. ठीक है, ये वेसल्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल है. ठीक है, एक ढेर में है, स्टॉक में है, तो ये कहलाता है सिस्टम्स. एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के पास में होता है. ठीक है, ये सिस्टम जो है या गोल्जी apparatus एनिमल सेल के में ये न्यूक्लियस के पास में होता है, जबकि प्लांट सेल में ये फ्रीली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है. और इसको कहते हैं प्लांट सेल में डाइसाइटोसोम. क्या कहते हैं? डाइसाइटोसोम्स कहते हैं. अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्जी apparatus, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेशन है? मटेरियल मैन्युफैक्चर बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू वेरियस पार्ट इनसाइड ऑफ आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी apparatus. अब आपको ध्यान हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, प्रोटीन लिपिड फैट्स इनको सिंथेसाइज कर रहा था. तो इस मटेरियल्स को गोल्जी apparatus के द्वारा ही ये मटेरियल्स सेल के बाहर या अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होने का काम करता है. इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वेरियस सेलुलर सिक्रिएशन लाइक एंजाइम्स प्रोटीन सेलुलोज. और ये बहुत सारे जो सेलुलर सिक्रिएशंस हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, सेलुलोज हो गया, उनको स्टोर करने का काम करता है. और जो ये सिक्रिएशन हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज है, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल. सेल को सर्वाइव करने के लिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इनको ये स्टोर करने का काम करता है. इट ऑल्सो सिंथेसाइज लाइजोसोम्स. ये क्या करता है, लाइजोसोम्स को भी सिंथेसाइज करने का, बनाने का काम करता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये भी क्या है, लाइजोसोम इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेलर. ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ये हमें पता है. जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. ये भी कैसे होते हैं, दीज आर वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग वैरायटी ऑफ डाइजेस्टेड एंजाइम. ये सेट टाइप के स्ट्रक्चर है, बोरी जैसे थैले जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो स्टोर होते हैं. अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ लाइजोसोम. अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइजोसोम्स की. इट डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल. जो भी सेल का वेस्ट मटेरियल है उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन. जो भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है उससे सेल को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, डिफेंस करते, बचाते हैं. इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, और वी कैन से इट इज़ अ डस्टबिन ऑफ सेल. ये क्या है, सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, वेस्ट को डिस्पोज करने का सिस्टम है. हम कह सकते हैं एक तरीके से सेल का डस्टबिन है. अब
एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये करता है ड्यूरिंग सेल डैमेज लाइसोजोम बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट द देयर ओन सेल। अब किसी वजह से यदि सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोजोम से होते हैं वो बर्स्ट हो जाता है और उसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो सेल को क्या कर लेते हैं, सेल को खुद सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट इट इज़ ए सुसाइड बैग ऑफ सेल। हम क्या कहते हैं इसको, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, सेल का सुसाइड बैग है, क्योंकि सेल क्या कर रहा है, इसकी वजह से ही सेल अगर किसी वजह डैमेज हो रहा है तो वो उसको सेल को खुद मार दे रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये क्या है, सेल का सुसाइड बैग है। और डस्टबिन भी है एक तरीके से सेल का, तो लाइसोजोम डस्टबिन भी है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी है और दूसरा क्या है, सुसाइड बैग ऑफ सेल भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गॉल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। फर्स्ट इज गॉल्जी एपरेटस। दिस सेल ऑर्गेनेल्स नेम्ड आफ्टर कैमिलो गॉल्जी हु वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इट। इसका नाम गॉल्जी एपरेटस कैमिलो गॉल्जी नामक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, क्योंकि गॉल्जी नामक साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रियस बाउंडेड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक कॉल्ड सिस्टम्स। इसमें क्या होता है कि वेसिकल्स जो हैं का ये नेटवर्क है जिसमें वेसिकल्स जो इस तरीके की ट्यूब्स एक दूसरे के पैरेलल, बहुत सारे वेसिकल्स एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं, उनका ये नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं सिस्टम्स। ठीक है, ये वेसल्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, एक ढेर में है, स्टॉक में है, तो ये कहलाता है सिस्टम्स। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के पास में होता है। ठीक है, ये सिस्टम जो है या गॉल्जी एपरेटस एनिमल सेल के में ये न्यूक्लियस के पास में होता है, जबकि प्लांट सेल में ये फ्रीली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसको कहते हैं प्लांट सेल में डाइसाइटोसोम। क्या कहते हैं, डाइसाइटोसोम्स कहते हैं। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ गॉल्जी एपरेटस, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेशन है। मटेरियल मैग्नीफैक्चर बाय एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम टू वेरियस पार्ट इनसाइड ऑफ आउटसाइड द सेल थ्रू गॉल्जी एपरेटस। अब आपको ध्यान हो कि एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, प्रोटीन लिपिड फैट्स इनको सिंथेसाइज कर रहा था, तो इस मटेरियल्स को गॉल्जी एपरेटर के द्वारा ही ये मटेरियल्स सेल के बाहर या अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होने का काम करता है। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वेरियस सेलुलर सिक्रिएशन लाइक एंजाइम्स प्रोटीन सेलुलोज, और ये बहुत सारे जो सेलुलर सिक्रिएशंस हैं जैसे कि एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, सेलुलोज हो गया, उनको स्टोर करने का काम करता है। और जो ये सिक्रिएशन हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज है, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल। सेल को सर्वाइव करने के लिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, इनको ये स्टोर करने का काम करता है। इट ऑल्सो सिंथेसाइज लाइसोजोम्स, ये क्या करता है, लाइसोजोम्स को भी सिंथेसाइज करने का बनाने का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइसोजोम्स, लाइसोजोम्स क्या होते हैं, ये भी क्या है, लाइसोजोम इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेलर, ऑर्गेनल्स होते हैं सेल, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ये हमें पता है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं।
ये भी कैसे होते हैं, दीज आर वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग वैरायटी ऑफ डाइजेस्टेड एंजाइम्स। ये सैक टाइप के स्ट्रक्चर है, बोरी जैसे थैले जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ लाइसोसोम्स, अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइसोसोम्स की। इट डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल, जो भी सेल का वेस्ट मटेरियल है उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है उससे सेल को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, डिफेंस करते हैं, बचाते हैं। इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, और वी कैन से इट इज़ अ डस्टबिन ऑफ सेल। ये क्या है, सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, वेस्ट को डिस्पोज करने का सिस्टम है, हम कह सकते हैं एक तरीके से सेल का डस्टबिन है। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये करता है, ड्यूरिंग सेल डैमेज लाइसोसोम बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट द देयर ओन सेल। अब किसी वजह से यदि सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम से होते हैं वो बर्स्ट हो जाता है और उसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो सेल को क्या कर लेते हैं, सेल को खुद सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, सो वी कैन से That it is a suicide bag of cell. हम क्या कहते हैं इसको, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, सेल का सुसाइड बैग है, क्योंकि सेल क्या कर रहा है, इसकी वजह से ही सेल अगर किसी वजह डैमेज हो रहा है तो वो उसको सेल को खुद मार दे रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये क्या है, सेल का सुसाइड बैग है। और डस्टबिन भी है एक तरीके से सेल का, तो लाइसोसोम डस्टबिन भी है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी है, और दूसरा क्या है, सुसाइड बैग ऑफ सेल भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप सेल ऑर्गेनल है, कैसा रॉड के शेप का होता है, जैसे एक रॉड होती है, बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, इट हैज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और दो मेम्ब्रेन कौन सी है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, स्मूथ होती है, और पोरस, पोरस मीन्स उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, फोल्ड प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया टू जनरेट एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, फोल्डेड होती है, और फोल्ड की वजह से एरिया बहुत, उसके अंदर का जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है, और उसमें क्या होता है, ज़्यादा सरफेस मिलता है एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एटीपी मॉलिक्यूल्स को। एटीपी मींस एंडोसाइन फॉस्फेट, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं एनर्जी रिलीजिंग मॉलिक्यूल्स। अब व्हाट इज इट इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है सो वी कैन से इट इज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल, ये क्या है, किस सेल का पावर हाउस होता है। एनर्जी इज रिलीज इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, इट कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन एंड डीएनए, ये अपना खुद का प्रोटीन और डीएनए प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट इज प्लास्टिड, ये भी क्या है, प्लास्टिड इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनल, ये एक सेल ऑर्गेनल है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दीज आर ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप का होता है, सबसे फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, एंड नेक्स्ट इज लियोप्लास्ट।
ठीक है, दो टाइप का है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट, दो टाइप का होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये कलरलेस होता है, प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड है, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, ये हेल्प करता है फूड के स्टोरेज में। अब प्लांट के फूड स्टोरेज क्या है, स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन है, इसको स्टोर करने में ये हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है, इट इज कलरफुल प्लास्टिक, कलरफुल प्लास्टिड होता है। और क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट विच गिव कलर्स टू फ्रूट लीव्स फ्लावर। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलरफुल पिगमेंट है, मतलब कलर है इसमें, और जो कलर देता है, पिगमेंट देता है किसको, फ्लावर्स को, किसी भी उसमें फ्रूट्स को, लीव्स को। क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोफिल कंटेन करता है क्रोमोप्लास्ट उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या काम आता है, ग्रीन कलर देता है वो प्लांट्स को, लीव्स को, और ये ग्रीन कलर काम आता है किस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, क्योंकि जो प्लांट ग्रीन नहीं होते उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लास्टिड, क्या इम्पोर्टेंस है, इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और जो किस में हेल्प करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या काम है इसका, फर्स्ट काम तो है क्या करना, फोटोसिंथेसिस करना, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। सेकेंड वर्क इसका है स्टोरेज ऑफ प्लांट फूड, प्लांट फूड को स्टोर करके रखता है, और इसका अपना ही डीएनए, इट्स हैज ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो ये सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, तो अपना खुद का प्रोटीन ये बना पाता है। तो ये हमने पढ़े सेल ऑर्गेनल्स, और दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।